हेलो गाइस, मेरा नाम है उदित अरोड़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको आफ्टर इफेक्ट्स में लाइट के बारे में बताया था, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा 30th क्लास। देखिए, आज की क्लास में जो है मैं आपको एक आइसोमेट्रिक प्री लोडिंग आइकन एनिमेशन जो है करके दिखाऊंगा। गाइस, जैसा कि आपने वीडियो का स्टार्टिंग के अंदर देखा था, एक प्री लोडिंग आइकन एनिमेशन, तो उसी तरीके से हम एक एनिमेशन जो है आज बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट्स में आ गया। मैंने ऑलरेडी जो है एक कॉम्पोजिशन यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। अब देखिए, अब वो प्री लोडिंग एनिमेशन के लिए ना सबसे पहले मुझे एक आइसोमेट्रिक क्यूब क्रिएट करना है। तो वो क्यूब क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से पहले अनेबल करेंगे हमारा ग्रिड ऑप्शन, ठीक है। अब ग्रिड ऑप्शन अनेबल करने के बाद हम यहाँ से पिक करेंगे पेन टूल। अब सबसे पहले ना आपको यहाँ पर आके पेन टूल से जो क्यूब है वो क्रिएट करना है। देखिए, आप यहाँ पर जाएंगे, ऐसे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है पॉइंट ऐड करेगा। और मेक श्योर आप व्यू में जाके यहाँ से स्नैप टू ग्रिड ऑप्शन जो है ऑन कर दे, जिससे आपका जो क्यूब के जो पॉइंट्स है वो आसानी से ग्रिड के ऊपर जो है वो स्नैप हो जाए। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट यहाँ ऐड करता हूँ, एक मैंने यहाँ ऐड किया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए, मैं यहाँ पर जो है एक्सेंट ग्रेव की यूज करके जो है इसको यहाँ पर क्या करा, मैंने जूम कर लिया। अब मैंने यहाँ पर एच यूज किया, हैंड टूल से इसको जो है पैन कर लिया। देखिए गाइस, अब इसी लेयर के अंदर जो है मुझे इसका लेफ्ट एंड राइट वाला शेप भी क्रिएट करना होगा। तो अब देखिए, मेरे को ना यहाँ पर इसके अंदर जो है दूसरा शेप जो है वो क्रिएट करना है, मतलब एक जो लेफ्ट साइड का शेप जो है क्रिएट करना है। आप यहाँ से आओगे, कंटेंट्स के अंदर देखोगे तो अभी आपने अपना जो क्यूब का ये टॉप क्रिएट कर दिया, तो इसको एंटर प्रेस करके हम लिख देते हैं यहाँ पर टॉप राइट। तो देखो, अब मैं इसके जो है लेफ्ट साइड जो है क्रिएट करता हूँ। मैंने पेन टूल लिया, मैं यहाँ पर आया, मैंने क्लिक किया। मेक श्योर आपका जो लेयर है वो सिलेक्टेड होना चाहिए, अगर आपको उसी लेयर के अंदर जो है वो बनाना है राइट। अभी हम यहाँ से मूव टूल लेंगे तो हम देखेंगे ना ये उसी लेयर के अंदर है, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है, लेयर यहाँ से सिलेक्टेड है, हमने यहाँ से पेन टूल लिया, एक क्लिक यहाँ पर किया, एक क्लिक यहाँ पे किया राइट। इसके बाद मैंने एक क्लिक अभी यहाँ किया और मैं यहाँ से पेन टूल से आगे बढ़ा, मैं यहाँ के भी क्लिक करता हूँ, ठीक है, और एक क्लिक यहाँ कर देता हूँ। तो ये वाली जो शेप है ना हमारे को, इसको यहाँ पर क्लोज कर देना है। तो अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, ये अपना सिलेक्शन टूल लेके इसके जो पॉइंट्स को जो है यहाँ पर अच्छे से इसके ऊपर हम ऐसे स्नैप कर देंगे। देखिए, अब मुझे ना यहाँ पर ऐसे हैंडल्स नहीं चाहिए, तो मैं कंट्रोल ऑल्ट के साथ क्लिक करूंगा तो हैंडल्स हट जाएगा। तो ये वाला जो क्यूब का जो पॉइंट्स है वो भी मैंने अच्छे से स्नैप कर दिया राइट। तो अब मैंने यहाँ पर क्या करा, ये जो लेफ्ट साइड वाला जो शेप है इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से आके इसका जो कलर है वो मैं डार्क कर देता हूँ, और जो मेरा टॉप वाला जो शेप है उसका जो कलर है मैं यहाँ से आके थोड़ा सा और ब्राइट कर देता हूँ। तो मैंने इसको भी यहाँ से नेम दे दिया एंटर प्रेस करके, ये मेरा लेफ्ट है। तो अब इसी तरीके से मुझे जो राइट वाला क्रिएट करना है, अगेन मैं यहाँ से पेन टूल लूंगा, लेयर मेरा देखिए सिलेक्टेड होना चाहिए, आई रिपीट, एक क्लिक यहाँ किया राइट, इसके बाद एक क्लिक यहाँ पर किया, एक यहाँ किया और एक यहाँ पर लिया। अब ये वाले जो पॉइंट्स है इसको हम पिक करके यहाँ पर हम स्नैप कर देते हैं। ये पॉइंट लिया मैंने, यहाँ इसको स्नैप कर दिया, इसको यहाँ पर स्नैप कर दिया और इसको इस जगह पर जो है स्नैप कर दिया। तो अभी आपको ये जो राइट वाला जो शेप है इसको भी आपको डार्क करना है। आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करोगे, यहाँ आके इसको ऐसे डार्क कर दोगे राइट, इसको आके हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, ऐसे डार्क कर देते। तो गाइस, हमने फाइनली यहाँ पर एक आइसोमेट्रिक क्यूब जो है वो क्रिएट कर दिया है। तो देखिए, अब फंडा क्या आता है ना, अब इसको हम एंटर प्रेस करेंगे, इसको हम यहाँ से रीनेम कर देंगे क्यूब, और यहाँ पर आते हैं हम थोड़ा सा इसके अंदर जो है यहाँ से इसको फिट करते हैं। तो अब बेसिकली ना मुझे इस क्यूब का कॉपीज लेना है। क्यूब का कॉपी क्रिएट करने से पहले मैं उसके एंकर पॉइंट को सेंटर में करूंगा। लेयर पर राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म में गया, सेंटर एंकर पॉइंट इन लेयर कॉन्टेंट। अब क्यूब को हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, डुप्लीकेट कर देंगे और इसे उठा के यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करना है हमारे को, देखिए पहले तो यहाँ पर ये ग्रिड को जो है बंद करना है। अब यहाँ पर हम जूम करेंगे, यहाँ आके देखेंगे ये थोड़ा बहुत जो गैप है ना ये भी हमारा नहीं होना चाहिए। तो उस गैप को अवॉइड करने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, अप डाउन एरो का यूज करके आप लेयर को हल्का सा आप उसको मूव कर देंगे। तो
तो सो डेट उसका जो गैप है वो यहाँ से फिल हो जाएगा। हल्का हल्का जो 1-2 पिक्सल का गैप दिख रहा था वो हमने यहाँ पर फिल कर दिया। अब मैंने यहाँ पर दोबारा से इस ग्रिड को अनेबल कर लिया, क्यूब टू और क्यूब को सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी मैं प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पर उठा के इनको ऊपर ले आता हूँ। देखिए अब इसे उठा के जो है मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ रख लिया। अब सेम जो है ये बाकी के 2 क्यूब के लिए भी आपको बीच का जो गैप है उसको फिल करना है, तो आपने अगेन यहाँ से जो है अप एरो का यूज करके इसको जो है बहुत ही स्मूथली आपने आसानी से यहाँ पर अलाइन कर दिया, राइट। अभी आप हमारा ये वाला जो क्यूब है इसको भी आप सिलेक्ट करोगे, थोड़ा सा इसको लेफ्ट में लेके जाओगे और यहाँ से आके भी जो है फिल कर देंगे, राइट, इस तरीके से। तो गाइज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो है गैप नहीं रहना चाहिए। तो अभी ना हमने यहाँ पर क्या करा है, अपना ये आइसोमेट्रिक प्री लोडिंग आइकन जो है वो क्रिएट कर दिया है। अब बारी आती है इसके अंदर एनिमेशन कर। देखिए अब हम शुरू करते हैं इसका एनिमेशन, राइट। तो अभी हम यहाँ पर एनिमेशन के लिए क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, पी प्रेस करते हैं, पोजीशन पे आ जाएंगे, राइट। यहाँ पर मैंने सभी पे पोजीशन पे की लगाया। देखिए सारा लेयर सिलेक्टेड होगा, आप एक स्टॉप वॉच पे क्लिक करोगे तो सभी पे ऑटोमेटिकली की लग जाएगा। अभी आप यहाँ से 10th फ्रेम के ऊपर आओगे, 10th फ्रेम के ऊपर आके ना मुझे एनिमेट करना। मुझे एनिमेट क्या करना है, बेसिकली इन दोनों को पिक करके जो है इधर लेके आना है, फिर इन दोनों को उठा के उधर लेके जाना है। इनका सिर्फ जो है पोजीशंस को मुझे चेंज करना है, राइट। तो अभी हम यहाँ से ग्रेड को एनेबल कर लेते हैं। तो देखिए इसको उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ। अब मैंने ये Q3 एंड Q4 को सिलेक्ट किया और इससे उठा के मैं यहाँ ले आया। अभी मैं यहाँ से ध्यान दूंगा कि यहाँ पर जो है मेरा कोई उसके ऊपर हैंडल ना क्रिएट हो रहा हो। देखिए अब मैंने यहाँ पर ये Q4 सिलेक्ट किया, मैं यहाँ से मूव टूल लूंगा, कंट्रोल ऑल्ट के साथ क्लिक कर दूंगा, क्योंकि मुझे ना उस एनिमेशन के अंदर कर्व नहीं चाहिए, वो एकदम लीनियर चाहिए, राइट गाइस। तो अभी आपने यहाँ पर एक ऐसे बेसिक सा एक जो एनिमेशन है ये क्रिएट किया है ना, तो देखो अभी आप यहाँ पर क्या करोगे कि ये वाले जो दोनों क्यूब है ना इन दोनों को आप सिलेक्ट करोगे, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर इसको ऐसे एडजस्ट कर देना है। आपने यहाँ पर जो है दोनों क्यूब्स को ऐसे सिलेक्ट कर लिया, दोनों के की फ्रेम्स को भी सिलेक्ट कर लोगे और ऐसे हल्का सा इस गैप को यहाँ पर आप इसे फिल कर दोगे। ये हो गया ना, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एनिमेट किया। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है कि ये वाला जो क्यूब है ना इसको उठा के इधर लेके आना है। तो आप देख रहे हो मैं इसको उठा के इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये बेसिकली उसके नीचे जा रहा है। इसके लिए मुझे इस लेयर को यहाँ पर सिलेक्ट करके ना इसे स्प्लिट करना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एडिट में जाऊंगा, यहाँ जाके कर दूंगा स्प्लिट लेयर, तो ये स्प्लिट हो जाएगा। अब आप इस लेयर को उठा के जो है सबसे ऊपर ले आओगे। आप यहाँ पर ले आए, अभी आपने पोजीशन लिया, देखो अब आपको नेक्स्ट 10th फ्रेम के ऊपर जो है जाना है। आप गए यहाँ से 20th के ऊपर, अब इसे उठाया और आप इधर ले आओगे। देखिए अब स्नैपिंग कैसे काम करेगा, जब आपका यहाँ से ये जो ग्रिड है वो अनेबल होगा। आपने इसको उठाया यहाँ पर रख दिया, राइट, फिर आपने कंट्रोल ऑल्ट के साथ क्लिक करके उसके जो हैंडल्स है उसे यहाँ से हटा दिया। अब सेम मुझे इसके साथ करना है, Q3 के साथ। तो अगेन आप देखोगे मैं Q3 को ऐसे मूव करूंगा तो ये इसके ऊपर आ रहा है। तो बेसिकली मुझे 10th फ्रेम से Q3 का लेयर भी क्या कर देना है, एडिट में जाके स्प्लिट लेयर। अभी मैंने कंट्रोल ए किया, यू प्रेस किया और अब यहाँ से जो Q6 को उठा के मैं ले जाता हूँ नीचे, इसकी पोजीशन सेलेक्ट करता हूँ और अब इसको उठा के ले आता हूँ इधर, राइट। देखिए आपने क्या करा, इसको उठा के आप ले आए इधर। तो अभी ये 10th फ्रेम पे यहाँ पर है, आप यहाँ से जाओगे 20th के ऊपर, इस क्यूब को उठा के ले आओगे इधर। तो अभी आपने यहाँ क्या किया, कंट्रोल ऑल्ट के साथ क्लिक करा, कंट्रोल ऑल्ट के साथ क्लिक करा और उसके जो है हैंडल्स को हटा दिया, राइट। अब यहाँ से आप आके ग्रिड को जो है ऑफ कर दोगे। अभी यहाँ पर आप जूम करोगे तो देखिए इसका जो गैप है हल्का सा वो भी आपको एडजस्ट करना है, यहाँ पर इसको ऐसे आप फिल कर दें, राइट। तो देखिए गाइज ये हमने यहाँ पर अपना एनिमेशन बना लिया। अब मैं 10th या 20th फ्रेम के ऊपर आके एन प्रेस करता हूँ और इसको यहाँ पर ऐसे प्ले करता हूँ, राइट गाइज। तो ये हमारा बन गया आइसोमेट्रिक क्यूब प्रीलोडिंग आइकन एनिमेशन। अब एक लास्ट स्टेप जो है हमारे को इसमें करना है, तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, पी प्रेस करेंगे, सभी की फ्रेम्स को ना यहाँ पर राइट क्लिक करके आपको की फ्रेम असिस्टेंट में जाके उसे इजी ईज कर देना है। अपना एनिमेशन को जो है स्मूथ करने के लिए आपने यहाँ पर है इजी ईज कर दिया। इस पोजीशन को भी मैं यहाँ पर इजी ईज कर देता हूँ,
यहाँ पर आके इसको भी इज राइट। तो अभी जल्दी से मैंने यहाँ पर इसको भी इजी इज कर दिया और इसकी पोजीशन को भी की फ्रेम असिस्टेंट इजी इज। तो अभी आप कंट्रोल ए प्रेस करिए, यू प्रेस करेंगे तो सारा प्रॉपर्टीज जो हाइड हो जाएगा। अब फाइनली आप इसको जो है प्ले करके देखिए। तो गाइज ये हमारा एनिमेशन जो है कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास में मुझे आपको सिखाना था आइसोमेट्रिक क्यूब प्रीलोडिंग आइकन एनिमेशन जो अभी आप देख रहे हैं। आई होप गाइज आपने मेरा ये वाला क्लास भी बाकी सभी क्लासेस की तरह इंजॉय किया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइज, टेक केयर, बाय बाय, गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।